नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। अटेर विधानसभा की ग्राम पंचायत में पड़ने वाला ग्राम धरई में मुक्ति धाम के नाम पर लाखों की निकासी, फिर भी कोई कार्य की प्राथमिकता नहीं। जानकारी अनुसार ग्राम धरई में काफी सालों से मुक्ति धाम में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जबकि हर वर्ष सरपंच सेक्रेटरी की मिली भगत से लाखों का माल प्रशासन का चूना लगाने की परंपरा का बना हुआ है। मुक्ति धाम पर जब भी किसी व्यक्ति के परिवार का शव अंतिम संस्कार के लिए जाता है तो बारिश में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार हर मुक्ति धाम पर टीन शेड, हैंडपंप, साथ ही मुक्ति धाम की बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य योजना बनाई गई थी, जिस योजना पर कोई भी काफी वर्षों से कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में सड़क निर्माण से लेकर मुक्ति धाम निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए की चपत सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा लगाई गई है, जिस पर जिला प्रशासन को कार्यवाही कर ग्राम मुक्ति धाम में टीन शेड, हैंडपंप, सड़क निर्माण कराने की कार्यवाही की जाए, जिससे आम लोगों की परेशानी पर अंकुश लग सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान, संवाददाता नीरज यादव, अटेर की रिपोर्ट। निर्माण हुआ कल, यहाँ लाश जलाई गई है तो लोग घूटे घूटे पानी में पैदल चल के यहाँ आए लाश को लेकर। कोई रिपट रहा है, कोई गिरने से बाल बाल बचे यहाँ से, तब तो यहाँ तक वो आप आइए कहा गया। फिर उसके अलावा भी ये जगह देखो तो ना ही तो कोई यहाँ आज तक जल निर्माण हुआ, न कोई टीन सेट डाला गया, और अभी तक जाकर कोई नजर ही नहीं है, ना ही रोड हुई। यहाँ की इतनी परेशानी, यहाँ के लोग जमादार रहते हुए आज तक पानी पीने जाए तो पानी में धस के यहाँ के दो लोग गांव में पानी पीने जाते हैं पीने के लिए। इतनी परेशानियाँ हैं आज तक, इसमें कोई न सरपंच ने सुनी, किसी ने गांव की कोई राजनीति ने किसी ने आज तक जाके सुनाई नहीं। इतनी परेशानियाँ, टीन सेट डल जाए, बाउंड्री हो जाए इसकी। हमने तो पानी जो पेड़ लगाए शमशान की जगह में साहब, तो हमने एक एक बाल्टी पानी तालाब से भर के तब यहाँ आके जो पेड़ लगा पाए, जबकि सांस की जगह हमारा यहाँ कुछ नहीं, हमारा तो उधर खेत है। इतनी सेवा करते हुए साहब इतने परेशानी है, यहाँ तो कम से कम पानी तो होना बहुत जरूरी है, और टीन सेट है तो यहाँ टीन सेट भी नहीं लगाया गया आज तक, टीन सेट नहीं लगा, कोई नजर ही नहीं है। तो लोगों को यहाँ रास्ता कहाँ से आने के लिए? कोई रास्ता ही नहीं है, रोड तो ये इधर से भी हो जाती, खग्गीपुरा से ये भी रोड डल सकती है, शहर है यहाँ नजदीक है, ये रोड डाली जाए तो आराम से गिर सकती है रोड। तो यहाँ पर कोई हैंडपंप की व्यवस्था भी नहीं की गई? कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है पानी की। पीने को तो लोग जो मान लो आते हैं तो वहां से हैंडपंप गांव में से भर के ले आओ, रख लो एक बाल्टी, तब तो पानी पिला दो। तो यहाँ मुर्दा जलाने के लिए किस जगह पे जलाया जाता है? यही जही शमशान है, पूरे गाँव को यही जलते हैं। अच्छा अच्छा, न कोई जगह ही नहीं है, कहाँ साहब ऐसे ये झाड़ झूड़ काट कूट के यही जला दीजिए। बारिश हो रही है तो आरती भींज गई तो कहो लाश जल पाए, कहो नहीं जल पाए अधजली रह जाए, फिर कुत्ते खाएंगे उसको। अरे कुत्ते खा रहे हैं लाश को, कहिएगा मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बारिश रह गई, घर को जला के लोग चले गए, थोड़ा बहुत मांस रह गया उसको कुत्ते खींच खींच के ले जा रहे हैं।